The Dawn Express, Aina Sashka. ऐसे फ्रंट पे खड़ा हूँ और जहाँ पे तीन विधानसभा क्षेत्र के कोने लगते हैं, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र और उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र। आज मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जो नई सड़क बनाई गई है। यहाँ पे थ्री व्हीलर पर आकर बहुत जाम लगा रहता है और यहाँ पे खुद थ्री व्हीलर वाले बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक नया स्टैंड बना दिया जाए जिससे हम सुचारू रूप से काम कर पाएँ और सवारियों को घर को पहुँचाया जाए। अब देखिए यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के जो थ्री व्हीलर वाले हैं उनका समस्या का समाधान किया जाए। दिखाइए कैमरा मैन, जरा दिखाइए। दिखाइए आपके सामने यह समस्या है, इसका निदान करवाइए। धन्यवाद। मैं अजय से कैमरामैन तिवारी जी के साथ विधानसभा तीन तीन विधानसभाओं के वो कोना लगता है, विकासपुरी विधानसभा, जनकपुरी विधानसभा और उत्तम नगर विधानसभा। यहाँ पे बहुत ही भयानक जाम रहता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का माहौल है। यहाँ पे आम आदमी को चयन करना पड़ता है। यहाँ पे स्टैंड है, इनकी भी अपनी समस्या है, फल वालों की अपनी समस्या है। आज हम जानना चाहेंगे कि आप केजरीवाल जी से क्या करवाना चाहते हैं और कैसा माहौल चाहते हैं। यहाँ के प्रधान जी हैं, यहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ। जाम से निजात पाने के लिए आप कैसा चाहेंगे? यहाँ पे ये नाला जो हो रहा है गंदा नाला है और यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले बैठे हुए हैं। अगर ये नाला बंद हो जाए और यहाँ पे दुकानें मिल जाए तो रेहड़ी पटरी वालों की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, पब्लिक तो जाम से भी बच जाएगी। एक यहाँ पे थ्री व्हीलर स्टैंड होना चाहिए, एक सब्वे होना चाहिए और रिक्शा स्टैंड होना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुद्दे वाली है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है शायद मतलब ग्रामीण जी ने भी ऐसे किया था, नाला धक्के उसके दुकानें बनाई थी मोदी नगर में, तो आप चाहते हैं कि उसी सब में काम हो जाए। आज चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा है।
के सुझाव किस किस ढंग से मतलब यहाँ पे शांति मिल सकती है और ट्रैफिक से निजात मिल सकती है। धन्यवाद। जरा साइड में दिखाओ कैमरा मैन भाई साहब, साइड में दिखाओ, इधर दिखाना, पीछे ट्रैफिक दिखाओ, सबको दिखाओ, राउंड द क्लॉक, ये पीछे पीछे तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है आपको दिखाई जा रही है। कुछ ज़्यादा ही उत्तम नगर में भीड़ भाड़ है और कई इलाकों में जाके देखोगे ना इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, इतनी की उत्तम नगर में इतनी भीड़ भाड़ है। ये हमें खुद नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पे ठहरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद देख सकते हो केजरीवाल, हमने कैमरा मैन दिखाओ देखिए कितनी बुरी हालत है, 20-20 मिनट लग जाते हैं एक बत्ती को पार करने में।